वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह रियासती यूनिवर्सिटी का रखेंगे संगे बुनियाद। उत्तर प्रदेश दिफाई सनत राहदारी के अलीगढ़ नोट और राजा महेंद्र प्रताप सिंह रियासती यूनिवर्सिटी के मॉडलों की नुमाइश का भी करेंगे मुआयना। कोविड के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी, मुल्क में हुई 75 करोड़ से ज्यादा टीकाकारी। मरकजी वजीर सेहत ने इस तारीखी कामयाबी पर पूरे मुल्क को दी मुबारकबाद। अब सरकार की तवज्जो दिसंबर तक 100% टीकाकारी पर 99% सेहत मुलाजमीन और फ्रंटलाइन वर्करों को दी जा चुकी है वैक्सीन की कम अज कम एक डोज। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को वाशिंगटन में क्वाड लीडर्स समिट में होंगे शामिल। मीटिंग में क्वाड वैक्सीन पहल और मौजूदा आलमी सूरतेहाल पर होगा तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 76वें इजलास से करेंगे खिताब। भारत ने दोहराई अफगानिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होने से रोकने की अपील। वजीर ख्वाजा एस जयशंकर ने अफगानिस्तान पर अक़वामे मुत्तहिदा की मीटिंग से खिताब। दहशतगर्दों को रकम की फराहमी रोकने के लिए अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की तजवीज़ से फौरी निफाज पर दिया जोर। अक़वामे मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान के अवाम की मदद के लिए की आलमी बरादरी से आगे आने की अपील। कहा कि इस साल के आखिर तक 606 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद की होगी जरूरत। अमेरिका ने 64 मिलियन डॉलर की मदद का किया वादा। और मुल्क भर में आज मनाया जा रहा है यौम हिंदी। हिंदी को कौमी जबान के तौर पर अपनाने के मौके पर हर साल मनाया जाता है यौम हिंदी। वजीर दाखिला अमित शाह आज तकसीम करेंगे राजभाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव इनामात। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है, मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखेंगे। यूनिवर्सिटी का क़याम अजीम मुजाहिद आज़ादी, माहिर तालीम और समाजी मुसल्लह राजा महेंद्र प्रताप सिंह की याद में किया जा रहा है। अलीगढ़ की कौल तहसील के गांव लोधा और गांव मोसेपुर करीम जरोली में कुल 92 एकड़ से ज्यादा इलाकों में यूनिवर्सिटी कायम की जा रही है। इस यूनिवर्सिटी से अलीगढ़ डिवीजन के 395 कॉलेज जुड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड और राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के मॉडल नुमाइश भी देखने जाएंगे। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। यूपी का ये शहर अलीगढ़ पीएम मोदी के खैर मकदम के लिए पूरी तरह तैयार है। पीएम मोदी के अलीगढ़ दौरे की तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस शहर में ये तैयारियां इसलिए हो रही हैं क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इस शहर को देने जा रहे हैं एक बड़ा तोहफा। पीएम मोदी दोपहर अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह रियासती यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखेंगे। पीएम मोदी के दौरे के दौरान इस इलाके के आवाम का बड़ा ख्वाब पूरा होने जा रहा है। शिक्षा क्षेत्र में, विद्या क्षेत्र में, शिक्षक क्षेत्र में उन्होंने काम किया बहुत ज़्यादा। ऐसे राजा महापुरुष के नाम से यूनिवर्सिटी का नाम रखकर उसको आगे बढ़ाना के लिए मोदी जी के आना, ये अलीगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है और अलीगढ़ की जनता उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर तत्पर खड़ी हुई है। इस यूनिवर्सिटी को रियासती हुकूमत अजीम मुजाहिद आज़ादी, माहिर तालीम और समाजी मुसलह राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के एहतराम में कायम कर रही है। ये ऐसे व्यक्ति के प्रति सम्मान है जिन्होंने 32 वर्षों तक अंग्रेजों से लड़ते हुए अपने आप को एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, एक राष्ट्रभक्त, एक नागरिक के रूप में उन्होंने अपना जीवन दिया। यूनिवर्सिटी का कयाम अलीगढ़ की कोल तहसील के गांव लोधा और गांव मूसेपुर करीम जरौली में 92 एकड़ से ज्यादा रकबे की जमीन पर होगा। अलीगढ़ के 395 कॉलेज इस यूनिवर्सिटी के तहत होंगे। इस यूनिवर्सिटी के लिए लंबे वक्त से जिद्दोजहद जारी है।
यही वो डीएस कॉलेज है जहां के तलबा ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी के लिए 9 साल पहले तहरीक चलाई थी। कई तलबा लीडरों पर इस दौरान मुकदमा भी दर्ज हुआ था। बहुत अच्छा लग रहा है जब विश्वविद्यालय बन रहा है हमारे लिए, और आगरा के लिए बहुत ज्यादा लोड था, वहाँ पे भागते रहते थे, दौड़ते रहते थे, लेकिन काम नहीं हो पाता था। यहाँ मिलेगा, हमारी परेशानियाँ सुनी जाएंगी, जल्द से जल्द हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी, और आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी अच्छा अवसर मिल रहा है, उन्हें भी अच्छे से पढ़ाई होगी उनकी। ये जो सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, और ये जो आगरा यूनिवर्सिटी के ऊपर काफी लोड था और हम लोगों के ऊपर भी काफी दिक्कतें आती थी, वहां जाना पड़ता था, अब जो है ये डीएस है, वाचनी है, ये तमाम कॉलेज वहां मर्ज हो जाएंगे और हम लोगों को भी सहूलियत मिलेगी। अलीगढ़ के अवाम राजा महेंद्र प्रताप सिंह का बेहद एहतराम करते हैं, वे इस नए यूनिवर्सिटी के ऐलान से बहुत खुश हैं। ऐसे महान राजा जिसने मतलब देशभक्त, शिक्षाविद, समाज सुधारक, ऐसे कई सारे विशेषण उनके साथ थे, और उन्होंने भारतीय समाज को वह देने की कोशिश की जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। ऐसे राजा साहब का विश्वविद्यालय माननीय योगी जी के सद प्रयासों से और प्रधानमंत्री मोदी जी उसका शिलान्यास कर रहे हैं, ये बहुत प्रसन्नता की और बहुत गौरवान्वित होने की और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत हर्ष की बात है। पीर को खुद यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा भी लिया। वजीर आजम उत्तर प्रदेश दिफाई सनती गलियारे के अलीगढ़ नोड और राजा महेंद्र प्रताप सिंह रियासती यूनिवर्सिटी के मॉडलों की नुमाइश का भी मुआयना करेंगे। उत्तर प्रदेश में दिफाई सनती गलियारे के क्याम का ऐलान वजीर आजम ने 21 फरवरी 2018 को लखनऊ में मुनक्किद उत्तर प्रदेश सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करने के दौरान की थी। यूपी के 6 जगहों अलीगढ़, आगरा, कानपुर, चित्रकूट, झांसी और लखनऊ से ये कॉरिडोर गुजरेगा। अलीगढ़ में इस कॉरिडोर के लिए जमीन मुख्तस करने का काम मुकम्मल हो चुका है। 19 कंपनियों को जमीन दी भी जा चुकी है। इसके जरिए कंपनियां कुल 1245 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करने वाली हैं। लंबे संघर्ष के बाद अलीगढ़ की छात्र छात्राओं का सपना पूरा होने जा रहा है राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के तौर पर। इससे इस क्षेत्र में विकास की नए संभावनाएं बनेंगी और साथ ही साथ शिक्षा के नए अवसर भी, और रोजगार के नए अवसर के तौर पर डिफेंस कॉरिडोर को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। कैमरामैन संजय जेना और अपने सहयोगी बिमलेंदु कुमार पांडे के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, अलीगढ़। और कोरोना वबा के बाद से भारत मुसलसल दुनिया के सबसे अहम ममालिक की सफ में खड़ा नजर आ रहा है, और मुल्क में 75 करोड़ कोरोना के टीके लगाने का अदद हासिल करना भी आलमी प्लेटफॉर्म पर एक बड़ी हसूलियाबी है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से मुल्क में एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा टीके भी लगाए गए हैं, जिसके बाद अब तक मुल्क में 75 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। भारत कोरोना टीकाकारी के महाज पर दुनिया के ज्यादातर ममालिक से आगे चल रहा है। भारत में 75 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन दिए जाने पर आलमी सेहत के इदारे WHO ने भी मुबारकबाद दी है। WHO ने इस हसूलियाबी पर दिल खोलकर भारत की तारीफ की है। सेहत के मरकजी वजीर मनसुख मंडाविया ने 75 करोड़ टीकाकारी के भारत के हदफ को पार करने पर मुल्क को मुबारकबाद दी और इसका सहरा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को दिया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका प्रयास के नारे के साथ दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम मुसलसल नई तारीख रकम कर रही है। आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी कि आज़ादी के 75 बरस में मुकम्मल मुल्क ने 75 करोड़ टीकाकारी के अदद को पार कर लिया है। सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने रियासतों को खत लिखकर मानसून के दौरान मच्छरों से पैदाशुदा बीमारियों से बचाव के लिए सभी जरूरी इकदाम करने को कहा है। कई रियासतों में बढ़ते डेंगू और मलेरिया के मामलों के पेश नज़र सेहत के सेक्रेटरी ने सभी रियासतों से जांच के लिए जरूरी सहूलतें, दवाओं और अस्पताल तैयार करने की हिदायत दी है। सेहत की वजीर ममलिका डॉक्टर भारती परवीन पवार ने डीडी न्यूज के साथ खसूसी गुफ्तगू में कोरोना टीका मुहिम का अदद 75 करोड़ के पार जाने पर खुशी का इजहार किया है। परवीन पवार ने इस हसूलियाबी पर तिब्बी अमले और साइंसदानों का शुक्रिया अदा किया। मरकजी वजीर ममलिकत ने बताया कि हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, लद्दाख,
लक्षद्वीप, दादर व नागर हवेली, दमन दीव समेत 6 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों ने पहली खुराक के मामले में 100% कामयाबी हासिल की है। हमारे नुमाइंदे राजेश राज ने दिल्ली में वज़ीर ममलिका डॉक्टर भारती परवीन पवार से बातचीत की। कोविड 19 की प्रभावी लड़ाई में हिंदुस्तान आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 75 करोड़ का वैक्सीनेशन का आंकड़ा हिंदुस्तान ने पार कर लिया। हमारे साथ स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार हैं, जिनसे हम सीधे आपको रूबरू कराएंगे कि आखिर यह जो कामयाबी है ये कैसे हासिल हुई। मैम, 75 करोड़ का आंकड़ा जो है वो आपने पार कर लिया, वैक्सीनेशन की दिशा में क्या प्रतिक्रिया है आपकी? ज़रूर, आज बहुत ही गौरव का दिन है। भारत में आज 75 करोड़ वैक्सीनेशन जब कंप्लीट हो रहे हैं, आज दुनिया में भारत का एक अलग रिकॉर्ड भी बन रहा है। 6 राज्य है कि जिन्होंने आज पहला डोज हमारा 100% करने में कामयाबी हासिल की है। सरकार ने दिसंबर तक पूरे हिंदुस्तान के लोगों को वैक्सीनेट करने का जो लक्ष्य रखा है, क्या लगता है स्वास्थ्य राज्य मंत्री को? वैक्सीन बनने में टाइम लगता है, कुछ बायोलॉजिकल ये प्रोसेस है। शुरू में जब हुआ शुरू तब लगभग 2.5 लाख पर डे ऐसा ये प्रोडक्शन शुरू हुआ शुरू में, लेकिन आज अगर देखा जाए तो 40 लाख प्रतिदिन का हमने वैक्सीनेशन प्रोडक्शन क्रॉस भी किया है और पहुंचाने में ये सक्सेसफुल भी रहे। नॉर्थ ईस्ट का मेरा पहला विजिट हुआ त्रिपुरा में, मैं जाके आई, मुझे बहुत बोलने में खुशी हो रही है कि देखिए जहाँ वहाँ पे अगर कुछ ट्रीटमेंट के लिए बाहर के राज्यों में जाना पड़ता था, वहाँ आज हमारा रीजनल कैंसर सेंटर काम कर रहा है, जिसमें आज 100 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च करके वहाँ पे अच्छे इक्विपमेंट लाए गए हैं। और आगे जाके हम जो कोविड पैकेज हो या फिर NHM के माध्यम से हो, तो पूरा सब सेंटर हो, हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, चाहे BSC हो, ये पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके और वेलनेस सेंटर के माध्यम से लोगों के लिए ट्रीटमेंट देने के लिए वहाँ के बहुत अच्छी सुविधा बनाई जा रही है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार को ये उम्मीद है कि आने वाले दिसंबर तक हिंदुस्तान के लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी हुई है उस पर इन्होंने संतोष जताया है। कैमरामैन संदीप कुमार के साथ राजेश राज, DD न्यूज, दिल्ली। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी क्वाड लीडरों के सरबराह इजलास में शिरकत के लिए वाशिंगटन जाएंगे। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि वज़ीर आज़म 24 सितंबर को वाशिंगटन DC में क्वाड लीडरों के सरबराह इजलास में ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन, जापान के वज़ीर आज़म यूशी हैगे सुगा और अमेरिकी सदर जो बाइडेन के साथ हिस्सा लेंगे। क्वाड लीडर 12 मार्च 2021 को अपने पहले वर्चुअल सरबराह इजलास के बाद से हुई पेशरफ्त का जायजा लेंगे और मुश्तरका मफादात के इलाकाई मसाइल पर बातचीत करेंगे। वो दरपेश आलमी मसाइल जैसे कि टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा, साइबर सिक्योरिटी, समंदरी तहफ्फुज़, कुदरती आफात में इंसानी मदद, आबो हवा की तब्दीली और तालीम पर भी तबादला ख्याल करेंगे। वज़ारत ख़ारजा के बयान में मज़ीद कहा गया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 76वें इजलास से खिताब करेंगे। भारत के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग को 2021 का मारूफ यूनेस्को किंग सिजोंग लिटरेसी अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड टेक्नोलॉजी की मदद से पढ़ाए जाने वाले मवाद के जरिए दिव्यांगों को तालीम हासिल करने के लिए दिया गया है, जिसमें भारतीय साइन लैंग्वेज जबान पर मबनी मवाद पर खास तवज्जो दी गई है। यह अवार्ड यूनेस्को के दिल्ली दफ्तर में एक तकरीब के दौरान दिया गया। मुल्क भर में आज हिंदी जबान का दिन मनाया जा रहा है। 1949 में आज ही के दिन भारत की दस्तूर साज असेंबली ने देवनागरी में हिंदी को मुल्क की सरकारी जबान के तौर पर मंजूर किया था। 1953 से पूरे मुल्क में 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया था। हिंदी पूरे मुल्क में सकाफत और इत्तेहाद का अहम जरिया भी है। कौमी वक़ार, सकाफत और एहतराम को एक धागे में पिरोने वाली हिंदी खुद एतमादी की मजबूत बुनियाद भी है। हिंदी को सरकारी जबान के तौर पर अपनाने के तौर पर हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज राजभाषा कीर्ति अवार्ड और राजभाषा गौरव अवार्ड तकसीम करेंगे।
हुकूमत ने कहा है कि 2022-23 रबी मार्केटिंग सेशन के लिए रबी की खसूसी फसलों की इमदादी कीमत पैदावार की लागत के डेढ़ गुना बराबर या इससे ज्यादा है। गेहूं और सरसों के लिए किसानों को पैदावार की लागत से ज्यादा फायदा होने का इम्कान है। मसूर पर 79% और चने पर 74% फायदा होने का इम्कान है। इस महीने की 8 तारीख को इक्तिसादी मामलों की काबीना कमेटी ने 2022-23 के रबी मार्केटिंग सेशन के लिए रबी की फसलों की कम से कम इमदादी कीमत में इजाफे की मंजूरी दी थी। गुज़िश्ता बरस 773 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी और मौजूदा सेशन में 879 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा धान की खरीद इमदादी कीमत पर की गई है। इससे तकरीबन 130 लाख किसानों को फ़ायदा होगा। 2021-22 के रबी मार्केटिंग सेशन के लिए तकरीबन 433 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई, जबकि इससे गुज़िश्ता बरस तकरीबन 390 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई थी, जिससे 49,20,000 किसानों को फ़ायदा पहुंचा था। इंसानी बुनियाद पर अफगानिस्तान के अवाम की सूरतहाल पर अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने पीर को वुज़रा सतह की मीटिंग तलब की। मीटिंग में मुल्क की अहम ज़रूरतों और अफगानी अवाम की मदद के लिए बैनुल अक़वामी शराकत दारों के जरिए फौरी तौर पर माली इमदाद की ज़रूरत पर जोर दिया गया। अक़वामे मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान में इंसानी बहरान पर अपील करते हुए 606 मिलियन डॉलर की एमरजेंसी मदद की अपील की है। मीटिंग से खिताब करते हुए अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने कहा कि इस वक्त बैनुल अक़वामी बिरादरी के लिए इंसानी बहरान से दो चार अफगान शहरियों की मदद करना बेहद ज़रूरी है। वहीं भारत ने एक मरतबा फिर से अफगानिस्तान की ज़मीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने की ज़रूरत पर जोर दिया है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अक़वामे मुत्तहिदा में आला सतही वुज़रा मीटिंग में दहशतगर्दों को मिलने वाली मदद पर कदम लगाने को ज़रूरी बताया। The UN Security Council Resolution 2593 should guide the international community's approach in the coming days. Our friendship is reflected in Indian development projects that today exist in all the 34 provinces. In all, we have invested more than $3 billion for the welfare of the people of Afghanistan. अमेरिका ने अफगानिस्तान को इक्तिसादी मदद देने का फैसला किया है। अमेरिका की तरफ से जारी बयान के मुताबिक अफगानिस्तान के लोगों के तय अज़्म के हिस्से की शक्ल में अफगानिस्तान में जारी इंसानी बहरान से मुतासिर लोगों को इंसानी मदद के तौर पर तकरीबन 64 मिलियन डॉलर दिए जाएंगे। अमेरिका की यह मदद आज़ाद इंसानी तंजीम के जरिए की जाएगी, जिसमें UNHCR और आलमी सेहत तंजीम शामिल है। ये मदद 18.4 मिलियन से ज़्यादा कमज़ोर अफगान शहरियों को दी जाएगी। अमेरिका ने कहा है कि ये फंड पनह गुजी, रोज़गार, सेहत, एमरजेंसी, खुर्दनी अशिया, पानी और कोविड से लड़ने में मदद करेगी। इस माली साल में तकरीबन 330 मिलियन डॉलर की अमेरिका ने अफगानिस्तान की मदद की है। दुनिया भर में कोरोना इन्फेक्शन के मामले 22 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा हो गए हैं। इस इन्फेक्शन से अब तक 46,51,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इलाज के बाद आलमी सतह पर 20 करोड़ 26 लाख से ज़्यादा लोग सेहतयाब भी हो चुके हैं। कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क में अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका में कोरोना इन्फेक्शन के कुल मामलों की तादाद 4,20,00,000 से ज़्यादा है। अमेरिका में कोरोना की वजह से मरने वालों की तादाद 6,79,000 से ज़्यादा है। खेल की खबरों में साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन के खत्म के बाद मर्द और ख्वातीन की नई रैंकिंग जारी हुई है। ATP की ताज़ा रैंकिंग में भी बड़ी तब्दीली देखने को मिली है। हालांकि सबसे ऊपर चार मकामात पर कोई तब्दीली नहीं हुई है और सर्बिया के नोवाक जोकोविच अभी भी नंबर एक खिलाड़ी बने हुए हैं, जबकि जोकोविच को शिकस्त देकर यूएस ओपन की शक्ल में अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीतने वाले डैनियल मेदवेदेव दूसरे नंबर पर बरकरार हैं। स्पेन के खिलाड़ी राफेल नडाल एक मकाम के नुकसान के साथ टॉप 5 से बाहर हो गए हैं। नई रैंकिंग में वो अब छठे मकाम पर पहुंच गए हैं। यूएस ओपन में कामयाबी की नई इबारत लिखने वाली 18 साल की इमा रेडुकैनू ने ख्वातीन की रैंकिंग्स में लंबी छलांग लगाई है। इमा 127वें मकाम के उछाल के साथ 23वें मकाम पर पहुंच गई हैं। वहीं रनरअप लला फर्नांडिस रैंकिंग में 45वें मकाम के उछाल के साथ 28वें पायदान पर पहुंच गई हैं।
रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी 10,075 अदद के साथ सबसे ऊपर बरकरार हैं। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो नाज़रीन, दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर, जिसमें हमने वज़ीरे ख़ारिजा एस जयशंकर के बयान को शामिल किया है। अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा है कि हिंद अफगान की दोस्ती जो है वो तारीखी है और साथ नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि इंसानी बहरान के दरमियान हिंदुस्तान ने कहा है कि वो पहले की तरह अफगानियों के साथ खड़ा है। हिंदुस्तान ने इमदादी ममालिक से कहा है कि अफगानिस्तान तक मुफ्त रसाई और माशरे के तमाम तबकात के लिए इमदादी सामान की बिला इम्तियाज तकसीम करें, ये वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर ने कहा है। अफगानिस्तान के हवाले से ही रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा के आलमी सफ़े पर एक सुर्खी शाया हुई है, जिसमें अफगानियों के खित्ते अफलास से नीचे जाने का अंदेशा जाहिर किया गया है। यूएन हाई कमिश्नर बराए मुहाजरीन सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए काबुल पहुँचे हैं। और एक खबर इसी में ही शाया हुई है, जिसमें तिजारती लेन देन होगी अफगान करेंसी में। दरअसल अफगान तालिबान ने कहा है कि अफगानिस्तान में तमाम तिजारती लेन देन जो हैं वो सिर्फ अफगानिस्तान की करेंसी में ही होगी, और ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि शायद वो पाकिस्तानी करेंसी में लेन देन कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात की तरदीद करते हुए अब ये वाज़े कर दिया है कि अफगानिस्तान में जो भी तिजारत होगी वो अफगानी करेंसी में ही होगी। दूसरी खबर बांग्लादेश के हवाले से है, जहां बांग्लादेश में 18 माह के बाद खुल गए हैं स्कूल। ऑनलाइन तालीम के खिलाफ यूनिसेफ की रिपोर्ट के बाद सरकार ने ये कदम उठाया है। के बाद अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा इनकलाब की सुर्खियों पर। रोज़नामा इनकलाब की सुर्खियों में खबर है, दिल्ली एनसीआर में भी डेंगू का खतरा, अस्पतालों में मरीजों का हुजूम। वाज़े रहे कि इस वक्त बारिश का मौसम चल रहा है और ऐसे में मच्छरों में इजाफा हो जाता है, और इसी को के मद्देनज़र दिल्ली एनसीआर में डेंगू का ख़तरा बढ़ गया है और अस्पतालों में मरीज़ों का हुजूम नज़र आ रहा है। गुड़गांव में बारिश के बाद वायरल बुखार से मरीज़ों की तादाद बढ़ गई है। डेंगू के 10 मरीज़ सामने आए हैं और 2 मरीज़ों में मलेरिया की तस्दीक भी हुई है, और ख़तरे के पेश नज़र हापुड़ में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा इस अखबार के आलमी सफ़े पर एक खबर शाये हुई है, इस काते हमल पर बनी फिल्म ने वेंस फिल्म फेस्टिवल का बड़ा एवार्ड जीता है। दरअसल वेंस फिल्म फेस्टिवल में ऐलान हो गया है, और इसका जो गोल्डन लाइन एवार्ड है वो फ्रांसीसी ज़बान में बनी गैर कानूनी इस काते हमल पर बनाई गई फिल्म को दिया गया है। तो ये थे रोज़नामा इनकलाब की सुर्खियाँ, और आखिर में हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी पर भी नज़र डाल लेते हैं, जिसमें सनअतकारों और हुकूमत के दरमियान एतमाद ज़रूरी है। मरकजी वजीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि वबाई अमराज से पैदा होने वाले मौक़ों से फ़ायदा उठाने के लिए सनत पर हुकूमत का एतमाद ज़रूरी है। तो ये थी आज उर्दू अखबार आज की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। आगे बढ़ते हैं, जहाँ इन दिनों एनसीसी कैडेट को पैरा लीगल वॉलंटियर से ट्रेनिंग दी जा रही है। इस तरबियती प्रोग्राम का मकसद एनसीसी कैडेटों में कानूनी बेदारी पैदा करना है। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह मेजर जनरल आर के माथुर ने किया। पेश है हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट। एनसीसी दिल्ली डायरेक्टोरेट की 6 दिल्ली बटालियन के जरिए एनसीसी कैडों के लिए पैरालीगल वॉलंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इस 3 रोज़ा कानूनी बेदारी तरबियती प्रोग्राम का दिल्ली डायरेक्टोरेट के एडिशनल डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल आर के माथुर ने इफ्तिताह किया। अपनी तरफ से सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना है, तो इन दोनों चीज़ों को जोड़ते हुए ये हमने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया। हमारे बच्चे, हमारे कैडेट्स इसमें ये सीखेंगे, पहली बात तो लीगल बातें, बहुत सी जो ग्रास रूट बिल्कुल लोअर लेवल पे छोटी सी लीगल इश्यूज़ होती हैं उसके बारे में समझेंगे, और दूसरा लोगों को कैसे इसके बारे में मदद किया जाए। और ये जो टीम है पूरी दिल्ली लीगल अथॉरिटी की, स्टेट लीगल अथॉरिटी की, जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एक तरीके से प्रो बोनो फ्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं।
दिल्ली रियासती कानूनी खिदमात अथॉरिटी के तावुन से मुनक़िद 15 दिसंबर तक चलने वाले तरबियती प्रोग्राम में एनसीसी कैडेटों में कानूनी बेदारी पैदा की जा रही है। कानून का अधिकार मिले, किसी के साथ भी अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम उसको न्याय के रास्ते पर ला पाएं, ताकि हम एक अच्छी सोसाइटी, ऐसी समाज का निर्माण कर पाएं जो हम सब के लिए सुरक्षित हो। तो उसी के चलते ये जितने भी डिफरेंट कॉलेजेस हैं, और आज जैसे ये एनसीसी कैडेट्स के साथ हम इस पैरालीगल वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग जो इनको करवा रहे हैं, उसका मकसद यही है कि इनके रास्ते, इनके ज़रिए ये जिन भी लोगों से कनेक्टेड हैं, अगर हर कैडेट अगर 10 या 15 लोगों के साथ भी कनेक्टेड है, तो जो हम ट्रेनिंग इनको इम्पार्ट करेंगे, जो हम इनको एम्पावर करेंगे, ये आगे फर्दर उस नॉलेज को डिसेमिनेट करेंगे। एनसीसी में मिलने वाली इस तरह की ट्रेनिंग से कैडेट और मुलाजमीन काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। हमने कभी भी लीगल नॉलेज के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं की, बट यह शिविर हमारा 13 से 15 सितंबर तक चलेगा, जिसमें इन कैडेट्स को पूरा लीगल नॉलेज दी जाएगी, जो ये लोग जानकारी प्राप्त करेंगे अनेक कानूनों के अधिकारों के बारे में, और अपने समाज के अलग अलग वर्ग में जाकर ये उस जानकारी को फैलाएंगे। इसके माध्यम से मतलब हम लोग जो लोग अपने मतलब जो उनके राइट्स हैं वो लोग वंचित रहते हैं, तो उनको हम लोग इससे अवगत कराएंगे और उनको ये जानकारियां प्राप्त करवाएंगे। एज वी विल लर्न मैनी थिंग्स अबाउट लॉ एंड इट विल बी रियली वेरी फ्रूटफुल फॉर अस। वी विल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू अदर कैडेट्स ऑल्सो विच आर नॉट हु आर नॉट पार्ट ऑफ दिस इवेंट, एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर SSB ऑल्सो, एंड वी आर कनेक्टिंग विद लॉट्स ऑफ पीपल। वी विल हेल्प दैम एंड वी विल नो अबाउट द राइट्स ऑफ फीमेल चिल्ड्रन एंड एल्डर्स ऑल्सो। वी विल मेक श्योर डैट अदर्स पीपल गेट बेनिफिट ऑफ इट। दिल्ली डायरेक्टोरेट के ग्रुप बी सदर दफ्तर में मुनक़िद इस प्रोग्राम में माँ बाप और बुजुर्ग शहरियों की देखभाल और उनकी फलाह बहबूद, मजदूरों के अख्तियारात, खवातीन की घरेलू तशद्दुद से हिफाजत और लोक अदालतों में जाने वाले मामलों समेत मुख्तलिफ कानूनी खिदमात की जानकारी इस प्रोग्राम में दी जा रही है। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, DD न्यूज, उर्दू खबरें। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही इख्ताम पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत।